नमस्ते जी, और कैसे हो? और भागवत में हमें बहुत आनंद आया, आपको भी थोड़ा थोड़ा क्लिप मैंने डालने की कोशिश करी पूरी। क्या वहाँ सारे आदमी बैठे होते तो घूंघट करके बैठते ना, तो एक अकेली मोबाइल चलाना मुझे शर्म आती है। जो बना रहे लोग वो तो खुलम खुला बनाते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी शर्म आती है, तो मैं कभी कभी लेती हूँ जब कोई नहीं देख रहा होता है ना, कि हाँ भीड़ भाड़ सी में से। और अब जा रहे हैं हम कलश लेने के लिए, क्योंकि अब अनाउंसमेंट कर दिया पंडित जी ने कि मतलब अपना अपना कलश ले जाओ। जिन्होंने कलश उठाए थे तो आज भंडारा है, 12 गाँव उनको है प्रोग्राम पूरा खाने पीने का। हमारे 5 गाँव तो ये हैं, टौड़ी, खोर्रा, सुजानपुरा तो है ही सही है, मेरा गाँव सुजानपुरा है ससुराल। मतलब किसी ने कल पूछा भी था, मतलब रामके से उनका नाम, कि आप कहाँ के हो, तो मेरी ये सुजानपुरा है ससुराल, और मेरा माई का शेखपुरा है महावीर जी के पास। और टौड़ी, खोर्रा, सुजान मतलब मनेपुरा, सातपुरा, सैराकर और मकटोट, हाँ, और इधर राजौर है, नारायण पूरे, मतलब इधर राणोली हमारे गांव के पास में, शेखपुरा के पास में, तो पता नहीं कौन कौन से गांव है, लेकिन 12 गांवों का प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। तो आज बहुत अच्छा लगने वाला है, आज कोशिश करूँगी पूरी पूरी, जब जाएंगे वहाँ खाने के लिए पब्लिक आएगी, पूरे कोशिश करूँगी लेने की। तो बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम में, आनंद आ गया। पब्लिक, गाँव की पब्लिक ने इतना साथ दिया है, मतलब काम करने में, कि मैं देखा पहली बार, मैं शहरों में बहुत सुनी दिल्ली में, जयपुर में, लेकिन यहाँ मैंने पहली बार देखा कि लोग भाग चढ़ के भाग लेते हैं, हर बंदा काम में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये अपना ही काम है, मतलब पता ही नहीं चला गांव में, सच में पता ही चला। अगला भागवत वाला तो आराम से बैठे देख रहे हैं, भाई काम तो खैर सामान तो वही ले, पर मतलब पब्लिक ऐसा कर रही है कि ये अपना ही काम है, शाम को रात को। तो बड़ा गाँव में ये देख कर मुझे ना एक तो बहुत अच्छी लगी, शहरों में तो क्या करें, जाके भागवत सुन के अपने अपने घरों में चले जाते हैं, धनी क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बहुत दिक्कतें होती होगी, लेकिन यहाँ सच में पूरी पब्लिक ले, मतलब लड़के आज भी सब काम छोड़ छोड़ के पूरा प्रसाद बांटना, काम करना, बहुत देख करना मुझे बहुत ही अच्छा लगा सच में गांव में। ये तो है हकीकत गांव की। फोटो ले डोगरी की फोटो ले लूँ ना। किसी ने पूछा था ना कि आपको पैसा भी मिलते हैं गांव में, से बोलते हैं ना पैसा भी मिले, पैसे मिलते हैं, मेरा मोनोटाइज भी हो गया था एक बार, आ भी गए थे पैसे, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया, कुछ दिक्कत थी थोड़ी बहुत, मतलब कुछ तो आँखों की प्रॉब्लम थी कुछ, मतलब ठीक है छोड़ दिया, बच्चे हुए, बच्चों की सेवा में लग गए, छोटे पोता पोती बेटी के, तो मतलब उस हिसाब से मैंने छोड़ दिया, मैं छोड़ अब कभी कभी डालेंगे, लेकिन यार फिर अब बच्चे बड़े हो गए अपने अपने मम्मी पापा के पास, हम फिर वही अकेले, इसलिए फिर वीडियो से क्या है, देखो आप बना रही हूँ ना, एक 10 मिनट लगेंगे बनाने में, टाइम मतलब काम छोड़ के बना रही हूँ, फिर मैं आप लोग देखोगे, फिर मैं कमेंट देखूँगी, फिर मेरी वीडियो कैसी चल रही है वो देखूँगी, उसमें मेरा टाइम पास हो जाता है, उसके बाद अपने घर का काम करो और सो जाओ। तो ऐसी बात नहीं पैसा मिलता है, पर मैंने छोड़ दिया, मोनोटाइज होने के बाद छोड़ा मैंने। कोई तो कहते नहीं, मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बोला था कि एक जमनदीप भैया, उन्होंने बोला कि दीदी 1000 सब्सक्राइबरों के लिए आपने कितनी मेहनत करी, और वाकई में मैंने मेहनत करी थी 1000 सब्सक्राइबर के लिए, मैंने बहुत मेहनत करी दिल्ली में, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करी जब जाके हुए थे, उसके बाद मेरे 7000 मतलब 6000 सब्सक्राइबर 6900 हैं इस टाइम। तो मैं मतलब मैंने उसके बाद ही मैंने छोड़ दिया था सब्सक्राइब, मतलब मोनोटाइज होने के बाद, पर लेकिन ऐसे नहीं मुझे कोई वो है, पर लेकिन अब और दोबारा शौक लग रहा है कि ठीक है अकेले क्या करें, बच्चे अपने अपने जगह पे अकेले तो अपने टाइम पास होता है, कोई बोलते रहो उम्र क्या है, उम्र कोई गलत काम नहीं कर रही, आपको भी पता है, घर का काम दिखाती हूँ क्या, मैं खुद करती हूँ वीडियो डालती हूँ, ऐसे नहीं कि मुझे कोई देखो या मतलब देखो, आप लोग तो देखोगे वो तो अच्छा है, लेकिन मैं कोई गलत काम कर रही हूँ उसको देखो तो बोलोगे ना कि इस एज में भी ये ऐसा कर रही है, घर का काम झाड़ू पोछा कर तो रही हूँ ना इस एज में भी आकर, तो और वीडियो मोबाइल की भी नॉलेज है ना थोड़ा बहुत कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं बैठी बैठी यही इसमें टाइम पास हो जाता है मेरा। नमस्ते जी, और कैसे हो, और सब बढ़िया हो, और गर्मी कितनी हो रही है आपके वहाँ, बारिश कैसी हो रही है, सब कमेंट करके बताया करो, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट आते हैं। यार लोग कहते हैं ना कि मैं कई बार भागवत साथी हूँ तो मैं थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ, आपको पता है गाँव में थोड़े लोग ऐसे ही हैं, क्या करती रहती है क्या होता है इनसे, तो फिर मैं बोलती हूँ कि इनसे खुशी मिलती है बहुत, कहती है पैसा मिलता है, पैसा मिलेंगे बाद में, लेकिन इससे खुद का दिल खुश रहता है, मुझे और कुछ पता नहीं,
बाहर के लोग देखते हैं, किसने देखा, कैसे हैं सबके हालचाल, आप लोगों को मैं क्या जानती थी ये बताओ। सुशीला परियाल जी हैं, अमनदीप हैं, गीता जी हैं, और भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं बहुत, मनीषा है, सब बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनसे मेरा रिश्ता जुड़ा, उनसे मैं घर की तरह बात होती है मेरी, तो मुझे बहुत अच्छा खुशी मिलती है। कई लोगों से तो मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि ये तो मेरे अपने अपने ऐसे हो गए कि मेरे अपने ही अपने भी नहीं पूछते जितना वो हालचाल पूछते हैं, तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो इसलिए मैं हंसती हुई आती हूँ। नीम की छाया में अंदर उल्टी गर्मी लग रही है, नीम की छाया में बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर आवाज़ आ रही है भागवत की अब शुरू होने वाली है। तो लेडीज वो बहुत पूछती है गांव की लेडीज, ये तो वीडियो बनाती रहे कहा हुए हमारी भी ले ले, तो लेकिन मेरे क्या वो आज भी बैठे होते हैं ना वहाँ, तो मैं दो तीन बार कैमरे मोबाइल लेके नहीं गई, अच्छा नहीं लगता आज भी होते हैं वहाँ, तो गांव में थोड़ा सा होता है ना ऐसा, तो मैं ऐसे लेती हूँ, तो लेकिन वो लेडीज बोलती है ना बड़ा अच्छा लगता है, और कई तो बोलती भी हैं ए हमें भी ले लें, हमें भी दिख, हम भी दिखेंगे वीडियो में तेरी में, तो इतना अच्छा लगता है, कईयों को तो पता भी नहीं है कि कहाँ कैसे देखते हैं क्या है। तो चलती हूँ मैं, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। ये गिलहरी कितनी डोल रही है, मत भगा डोलन दोस्त, देख ले चढ़ गई अमरूद के पेड़ में, वो देखो कहाँ पहुंच गई, वो देखो उस पेड़ में से उसमें पहुंच गई, कितना अच्छा लग रहा है देखो हमारे बगल में बगीचा, हवा जरूर रुकती है लेकिन वैसा अच्छा लगता है, शांति मिलती है, बिल्कुल सुकून मिलता है कि थोड़ा हाँ पेड़ पौधे लग रहे हैं। ये बच्चे आने लगे ना अभी से पतंग उड़ाने छतों पर, ये देखो ये सारे ये इधर भागते हैं छतों पे सारे, आ तो बंदर सारा नीम सब गन्ने सब तोड़ गए। और उसके बाद
की शिफ्ट में जाते हुए हैं, ये सुबह चले जाते हैं, अब इनको तो काम कुछ होता नहीं है तो नाग होकर चले जाते हैं। मैं अब रोटी बनाऊंगी, रोटी बना के रोटी खा के फिर 2:30 बजे शुरू होगी तब मैं चले जाऊंगी, तो हम दोनों ही सुन लेते हैं। ऐसा कुछ काम नहीं है, हम दोनों भी जा सकते हैं, लेकिन वो उनको लगता है कि मैं दोपहर को सोऊंगा आराम से, वो इस टाइम सुन के आते हैं, वो शाम को नहीं जाते। गर्मी में झुलस गए थे, बिल्कुल जल गए थे, अब दोबारा फूटे हैं ये सारे। ये देखो अमरूद फूट आ रहे हैं, अमरूद छोटे छोटे पर बंदर नहीं छोड़ते। ये बहुत सारे मेरी लग रही है मशीन, मैंने मेरी शर्ट धो के सुखा दी, आज शर्ट पहनूंगी तो मैं कपड़ा धो लेती हूँ। कभी कभी तो पानी खूब आवे है ना, सारे काम हो जाए पानी आ जाए। इसकी कटिंग करूंगी अभी, मैं आ गई बाहर तो नीम की छाया में रात को लाइट गई थी एक मिनट हो जाता, अगर ऐसा आ जाता तो देखो नीम की छाया कितनी अच्छी है, आराम से बैठ जाते। देखो हमारा कुंडा चल रहा है, कुंडे में पानी आ रहा है, मतलब ये है हमारा कुंडा। गेट बंद करने के लिए अभी तो सब नहा धो रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। मूंगफलियों की तरफ उग रही हैं, 2-3 मैंने देखी उग गई, अगर मेरे सामने उग जाएंगी अच्छे से तो मैं इनको एक बार नड़ा के चली जाऊंगी। देखो ये तो मेरे सही हो रहे हैं, पेंट की कटिंग करी थी ना, अब ये हो जाएगा थोड़ा। और कल बंदर तोड़ के गन्ने मेरे, देखो एक टूट गया, खा जाते हैं अभी। केला भी मुश्किल से छोड़ते नहीं, केला बहुत बड़ा हो गया। और ये शोक, और मुझे मेरी तुलसा मैया को देख कर तो बहुत खुशी, किस किस को तुलसा मैया की देख कर खुश होते हैं आप कमेंट करके बताओगे, ऐसी तुलसा मैया घर में होती है कितनी खुशी मिलती है। पूरा पूरा आशीर्वाद है मेरी माँ का, बहुत तरसती हूँ मैं, मेरे वहाँ जयपुर में नहीं होती अभी ऐसी, तो कितनी अच्छी लग रही है ना, मैं इनको रोज निहारती हूँ देख देख कर, तुलसा मैया को देख देख कर। डेली सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ तो मैं इन्हीं को देखती हूँ पहले, देखो ऐसी काश मेरे वहाँ जयपुर में हो जाए, लेकिन ये यहाँ घर है, ये मेरी इस आंगन की यही रक्षा करती है। और मेरे अशोक के भी एक माया गेट पर सब्जी बन, कपड़े धुल गए, सब्जी बना के हो गए भागवत सुनने, मैं इतने साथ बाहर है, आज बादल हो रहे हैं दोबारा से, तो मैं सोच रहा मैं सब्जी बना के मैं तो जाऊँगी शाम को ही, तो मैं ऐसी सब्जी बैठी बैठी सब्जी बना लूँ, सब्जी बना के फिर एक कमरे का पोछा रह रहा है वो पोछा लगाऊंगी। और यहाँ क्या है, लाइट चलेगी, ए सी चला के बैठी जब से, बाहर बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो बज गए 10:30, बस अब यही काम है हमारा, अब मैं मिलती हूँ आपको किचन में। और नमस्ते जी, और कैसे हो, और सब बढ़िया हो, और गर्मी कितनी हो रही है आपके वहाँ, बारिश कैसी हो रही है, सब कमेंट करके बताया करो, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट आते हैं। यार लोग कहते हैं ना कि मैं कई बार भागवत में आती हूँ तो मैं थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ, आपको पता है गाँव में थोड़े लोग ऐसे ही हैं,
क्या करती रहती है, क्या होता है इनसे। तो फिर मैं बोलती हूँ कि इनसे खुशी मिलती है बहुत, कहती है पैसा मिलता है, पैसा मिलेंगे बाद में, लेकिन इससे खुद का दिल खुश रहता है, मुझे और कुछ पता नहीं। बाहर के लोग देखते हैं, किसने देखा, कैसे हैं, सबके हालचाल, आप लोगों को मैं क्या जानती थी ये बताओ। सुशीला परियाल जी हैं, अमनदीप हैं, गीता जी हैं, और भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं बहुत, मनीषा है, सब बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनसे मेरा रिश्ता जुड़ा, उनसे मैं घर की तरह बात होती है मेरी, तो मुझे बहुत अच्छा खुशी मिलती है। कई लोगों से तो मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि ये तो मेरे अपने अपने ऐसे हो गए कि मेरे अपने ही अपने भी नहीं पूछते जितने वो हालचाल पूछते हैं, तो इसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो इसलिए मैं हंसती हुई आती हूँ नीम की छाया में, अंदर उल्टी गर्मी लग रही है, नीम की छाया में बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर आवाज़ आ रही है भागवत की अब शुरू होने वाली है। तो लेडीज बहुत पूछती है गांव की लेडीज, ये तो वीडियो बनाती रहे कहा हो हमारी भी ले ले, तो लेकिन मेरे क्या वो आज भी बैठे होते हैं ना वहाँ, तो मैं दो तीन बार कैमरा मोबाइल लेके नहीं गई, अच्छा नहीं लगता आज भी होते हैं वहाँ, तो गांव में थोड़ा सा होता है ना ऐसा, तो मैं ऐसे लेती हूँ, तो लेकिन वो लेडीज बोलती है ना बड़ा अच्छा लगता है, और कई तो बोलती भी है ए हमें भी ले लें, हमें भी दिख, हम भी दिखेंगे वीडियो में तेरी में, तो इतना अच्छा लगता है। कईयों को तो पता भी नहीं है कि कहाँ कैसे देखते हैं क्या है। तो चलती हूँ मैं, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। ये गिलहरी कितनी बोल रही है, मत भगा डोलन दोस्त, देख ले चढ़ गई अमरूद के पेड़ में, वो देखो कहाँ पहुंच गई, वो देखो उस पेड़ में से उसमें पहुंच गई, कितना अच्छा लग रहा है। देखो हमारे बगल में बगीचा, हवा जरूर रुकती है लेकिन वैसा अच्छा लगता है, शांति मिलती है, बिल्कुल सुकून मिलता है कि थोड़ा हाँ पेड़ पौधे लग रहे हैं। ये बच्चे आने लगे ना अभी से पतंग उड़ाने छतों पर, ये देखो ये सारे ये इधर भागते हैं छतों पे सारे, आ तो बंदर सारा नीम सब गन्ने सब तोड़ गए।
शिफ्ट में जाती हूँ मैं, ये सुबह चले जाते हैं, अब इनको तो काम कुछ होता नहीं है तो नाग होकर चले जाते हैं। मैं अब रोटी बनाऊंगी, रोटी बना के रोटी खा के फिर 2:30 बजे शुरू होगी तब मैं चले जाऊंगी, तो हम दोनों ही सुन लेते हैं। ऐसे कुछ काम नहीं है, हम दोनों भी जा सकते हैं, लेकिन वो उनको लगता है कि मैं दोपहर को सोऊंगा आराम से, वो इस टाइम सुन के आते हैं, वो शाम को नहीं जाते। गर्मी में झुलस गए थे, बिल्कुल जल गए थे, अब दोबारा फूटे हैं ये सारे। ये देखो अमरूद फूट रहा आ रहे हैं, अमरूद छोटे छोटे पर बंदर नहीं छोड़ते। ये फसल मेरी लग रही है मशीन, मैंने मेरी शर्ट धो के सुखा दी, आज शर्ट पहनूंगी तो मैं कपड़ा धो लेती हूँ। कभी कभी पानी खूब आवे है ना, सारे काम हो जाए पानी आ जाए। इसकी कटिंग करूंगी अभी, मैं आ गई बाहर तो नीम की छाया में रात को लाइट गई थी एक मिनट, अगर ऐसा आ जाता तो देखो नीम की छाया कितनी अच्छी है, आराम से बैठ जाते। देखो हमारा कुंडा चल रहा है, कुंडे में पानी आ रहा है, मतलब ये है हमारा कुंडा। गेट बंद करने के लिए अभी तो सब नहा धो रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। मूंगफलियों की तरफ उग रही हैं, 2-3 मैंने देखी उग गई, अगर मेरे सामने उग जाएंगी अच्छे से तो मैं इनको एक बार नड़ा के चली जाऊंगी। देखो ये तो मेरे सही हो रहे हैं पेड़, कटिंग करी थी ना अब ये हो जाएगा थोड़ा, और कल बंदर तोड़ गए गन्ने मेरे, देखो एक टूट गया, खा जाते हैं अभी। केला भी मुश्किल से छोड़ते नहीं, केला बहुत बड़ा हो गया, और ये शोक। और मुझे मेरी तुलसी मैया को देख कर तो बहुत खुशी, किस किस को तुलसी मैया की देख कर खुश होते हैं आप कमेंट करके बताओगे, ऐसी तुलसी मैया घर में होती है तो कितनी खुशी मिलती है। पूरा पूरा आशीर्वाद है मेरी माँ का, बहुत तरसती हूँ मैं, मेरे वहाँ जयपुर में नहीं होती अभी ऐसी, तो कितनी अच्छी लग रही है ना, मैं इनको रोज निहारती हूँ देख देख कर, तुलसी मैया को देख देख कर डेली। सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ तो मैं इन्हीं को देखती हूँ पहले, देखो ऐसी काश मेरे वहाँ जयपुर में हो जाए, लेकिन ये यहाँ घर है, ये मेरी इस आंगन की यही रक्षा करती है, और मेरे अशोक के भी एक माए गेट पर हो रहा है। ये देखो बादल हो रहे हैं, गर्मी बहुत हो रही है, आ सकती है। आ गई छत पर, देखो कितना अच्छा हरियाली हो रही है, पहाड़ भी दिख रहे हैं यहाँ से, और इधर बारिशों के दिनों में अच्छा लगता है। वो देखो राजौर वाले डोंगर, तो भागवत सुन के अब चाय बन रही है तो मैं आ गई छत पर। तो हमारे गांव प्रसाद भागवत सुन के, ये देख वो बटरा प्रसाद, हम तो लेके पहले ही आ गए। टेंट लग रहा है पूरे खेत में, इसमें सीमा की हमारी की शादी हुई थी बेटी की, इसमें कल 12 गांव उनको भंडारा है, मतलब कल समाप्त हो गई भागवत तो 12 गांवों को खाना है, तो कल यहाँ आएंगे सारे गांव। ये देखो पूरे खेत में टेंट, भगवान बारिश ना आए बस, बड़ा अच्छा लग रहा है, खूब बढ़िया रौनक होगी, 12 गांव बहुत दूर दूर से आएंगे,
उधर देखो लड्डू बन रहे हैं, वो लड्डू बन रहे हैं देखो पूरे लड्डू। तो यहाँ हलवाई बैठे हैं, वाटरप्रूफ टेंट लगा दिया हलवाई के लिए। तो ये लालू बाल्टी भर जूस बना रही है, जूस बना रही है, जूस बना रही है क्या, जूस बना रही है क्या? तो ये गांव कितना अच्छा लगता है सच में इन दिनों में, दूर दूर तक कहाँ पहुंच गए, तीसरी मंजिल तक पहुंच जाएगा ये। पीछे मकान ही मकान है। ये देखो पूरे खेत में टेंट लग रहा है। कल हमारे यहाँ बारह गांव को भंडारा है जो भागवत हो रही थी, तो आपको दिखाऊं, देखो वो लड्डू बन रहे, वो बन रहे, वो लग रहे हैं ना हलवाई। तो ये तो कल से ही शुरू हो गया था क्योंकि बारह गांव आएंगे सारे, तो मतलब ये टौड़ी खोरा दादनपुर सहराकर इधर राणौली नारायण है ना, तो राणौली बारह गांव बहुत दूर दूर है, सात राज्य और है, ये सारे आएंगे। मतलब इधर खिल ये है खिलचीपुर पता नहीं लाडपुर इधर साथ ही सारे आते होंगे बारह गांव, मुझे ऐसे पता नहीं है, पर बारह गांव है कल, पूरे बारह गांव आएंगे। ये देखो कितना अच्छा सीन लग रहा, बच्चे छतों पे पतंग उड़ाने लग गए, इन दिनों में अच्छा लगता है। तो बैठे मैं भी चाय रख के आई हूँ नीचे, ये हमारे पीछे वालों का घर है। ये देखो वो हमारे गन्ने, आज बंदर तोड़ गए ना गन्नों को, और अभी मूंगफली दिखी नहीं है। कितना अच्छा लगता है शाम के टाइम, इधर कटिंग करी थी ना, अब ये हो जाएगा थोड़ा, और कल बंदर तोड़ गए गन्ने मेरे, देखो एक टूट गया, खा जाते हैं अभी। केला भी मुश्किल से छोड़ते नहीं, केला बहुत बड़ा हो गया। और ये अशोक, और मुझे मेरी तुलसी मैया को देख कर तो बहुत खुशी, किस किस को तुलसी मैया की देख कर खुश होते हैं आप कमेंट करके बताओगे, ऐसी तुलसी मैया घर में होती है तो कितनी खुशी मिलती है। पूरा पूरा आशीर्वाद है मेरी माँ का, बहुत तरसती मैं, मेरे वहाँ जयपुर में नहीं होती अभी ऐसी, तो कितनी अच्छी लग रही है ना, मैं इनको रोज निहारती हूँ देख देख कर, मेरी तुलसी मैया को देख देख कर डेली। सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ तो मैं इन्हीं को देखती हूँ पहले, देखो ऐसी काश मेरे वहाँ जयपुर में हो जाए, लेकिन ये हाँ घर है, ये मेरी इस आंगन की यही रक्षा करती है, और मेरे अशोक के भी एक माए गेट पर। Oh,